हाय फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। और आज मैं बनाने जा रही हूँ लहसुन अदरक और हरी मिर्च का मिक्स अचार। और मेरी ये रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बनाते हैं लहसुन अदरक और हरी मिर्च के मिक्स अचार। इसे बनाने के लिए मैंने लिया है 100 ग्राम लहसुन, इसको मैंने अच्छी तरह से छील लिया है। हरी मिर्च 100 ग्राम, इसका मैंने धो के डंठल निकाल लिया है। और 50 ग्राम अदरक, इसको भी मैंने अच्छी तरह से छील लिया है और इसे बारीक लंबा लंबा काट लिया है। और इन तीनों को 1 घंटे के लिए धूप में सुखा लिया है। मस्टर्ड ऑयल 50 ग्राम, पीला सरसों 1 टेबल स्पून, मेथी 1 टेबल स्पून, अजवाइन 1 टेबल स्पून, सौंफ 1 टेबल स्पून, कलौंजी 1 टेबल स्पून, नमक अपने स्वाद के अनुसार, रेड चिल्ली पाउडर 1 टेबल स्पून, हींग थोड़ा सा, हल्दी पाउडर 1/2 टेबल स्पून। अब हम मेथी, सरसों और अजवाइन को हल्का भून लेंगे। ये हल्का भून गया है, अब हम गैस को ऑफ कर लेंगे और इसका मोटा पाउडर बना लेंगे। इसका मोटा पाउडर बन गया है, देखिए हल्का मोटा पाउडर है। अब हम ऑयल को गरम कर लेंगे और इसे अच्छी तरह से गरम होने देंगे। इसमें धुआं आ रहा है, इसका मतलब ऑयल हमारा अच्छी तरह से गरम हो गया है। अब हम गैस को ऑफ कर लेंगे और इसे अच्छी तरह से ठंडा होने देंगे। ऑयल हमारा अच्छी तरह से ठंडा हो गया है, अब हम इसे एक बड़े बॉल में निकाल लेंगे और इसमें मसालों को मिक्स करेंगे। सबसे पहले सौंफ, कलौंजी, नमक, रेड चिल्ली पाउडर, हींग, हल्दी पाउडर और भुना हुआ मसाला का पाउडर, और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मसाला हमारा अच्छी तरह से मिक्स हो गया है, अब इसमें हम लहसुन, हरी मिर्च और अदरक को डाल देंगे। और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमारा अचार अच्छी तरह से मिक्स हो गया है, अब हम इसे एक साफ जार में निकाल लेंगे और इसे 1 वीक के लिए धूप में छोड़ देंगे ताकि ये अच्छी तरह से बॉयल हो जाए। और मेरी ये रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।